वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 1 स्टोक्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं। लास्ट क्लास पढ़ा हमने, जहां पर स्टोक्योमेट्री के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो समझे थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो लिख लिया हमने लास्ट। और यहां पर हमें टू टाइप्स की प्रॉब्लम पढ़नी है। एक है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम और दूसरी मोर देन टू रिएक्टेंट्स। तो वहाँ पर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम सिंगल रिएक्टेंट बेस वाली प्रॉब्लम समझेंगे। पॉइंट समझना है यहाँ पर, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या प्रॉब्लम में हो सकता है वो। तो एज एग्जांपल समझो, अगर तुम्हें मास गिवन है कि ये रिएक्टेंट का मास इतना है तो प्रोडक्ट का मास कितना होगा, तो मतलब मास से मास कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, है ना। उसी तरह अगर मान लो तुम्हें वॉल्यूम गिवन है और सामने पूछ रहे हैं कि कितना वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेशन वाले एग्जांपल पढ़ेंगे हम। और उसी तरह अगर मान लो मास गिवन है और कितना वॉल्यूम बन रहा है तो वो पढ़ेंगे, मतलब मास वॉल्यूम। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मास टू मास, या तो मास गिवन है और क्या निकालना है तुम्हें वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो क्या फाइंड करना है तुम्हें वॉल्यूम। तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम्पल देखकर ही समझते हैं। चलो फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं। 31 नंबर का इल्यूस्ट्रेशन क्या है, ध्यान से रीड करो, रिएक्शन लिखो। और रिएक्शन कैसा लिखेंगे, इसमें बैलेंस रिएक्शन कंपलसरी लिखना है। चलो फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन 31, हाउ मच आयन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन के अंदर अगर रिएक्शन लिखा हुआ ना हो तो खुद लिखना है कि 1 kg Fe2O3 का क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन होकर क्या बनता है, Fe बनेगा। तो अब इसका रिएक्शन क्या बनेगा, तो Fe2O3 का रिडक्शन करना है तो H2 के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा यहाँ पर, और सामने क्या बन रहा है, Fe+H2O फॉर्म होगा। ये वाली चीज़ समझ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन दिया ही है कि अगर 1 kg Fe2O3 का रिडक्शन करेंगे तो कितना ग्राम या कितना kg Fe फॉर्म होगा। मान लो आयन है तुम्हारे पास, रस्ट लग गई है, 1 kg है, तो उसे जब हम रिडक्शन करके साफ करेंगे तो प्योर आयन ऑप्टेन होगी, तो प्योर आयन कितनी ऑप्टेन होगी। तो सिंपल सा आंसर 1 kg से कम ही होगा, वो तो 1 kg से आंसर कम ही आना है। तो ये वाली चीज़ गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टोक्योमेट्री बेस बैलेंस इक्वेशन। तो चलो बैलेंस इक्वेशन, Fe कितने यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ पर Fe2। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। नेक्स्ट तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है तो यहाँ पर 3 होगा। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन 6 है तो ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हुआ बैलेंस इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का लिखो, मोल के टर्म्स में लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म कितने मोल है, ये 1, ये कितने मोल गिवन है, ये कितना मोल है, 2, और ये 3 मोल है। मास टू मास है ना, 1 kg है और सामने भी तुम्हें यही पूछा है कि कितना मास फॉर्म होगा, तो अब जो तुम्हें पूछा है ना वो फॉर्म लिखोगे। चलो मास गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 1 mole के लिए फाइंड आउट करो। Fe का एटॉमिक मास होता है Fe का 56 होता है, तो Fe2O3 का मास कितना होगा, 1 mole Fe2O3 का मास कितना हुआ, फाइंड करके बताओ, तो 160। चलो इसका मास कितना हुआ, टोटल 6 हाइड्रोजन है तो 6। चलो एक Fe का कितना, 56, तो 2 Fe के कितने हुए यहाँ पर, 112। H2O 3 H2 है, उसको तो ज़रूरत नहीं है वैसे, हमें तो यहाँ से यहाँ ही फाइंड करना है, समझना, फिर भी लिख रहा हूँ मैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो इसका मास कितना होगा, 3 × 18। तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें ये फाइंड करना है, समझना, हो गया। अब तो आंसर कितना सिंपल है, देखो कि 160 ग्राम पर कितना बन रहा है, 112 ग्राम फॉर्म होगा, है ना। पूछा क्या है अंदर तुम्हें, 1 kg, तो 1000 ग्राम लिख लूँ, तो 1000 ग्राम पर कितना फॉर्म होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तुम्हारा आंसर हुआ ये 1000 112 /
160, कितना आंसर हो रहा है कैलकुलेट करके बता दो और आंसर लिख लो। चलो सेवन हंड्रेड ग्राम आंसर आएगा। कितना सिंपल है कैलकुलेशन समझना, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लो, दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर। चलो सेकंड एमसीक्यू, इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखो, ध्यान से डेटा रीड करो, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। इलस्ट्रेशन 32, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मतलब AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बन रहा है सामने, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा AgCl और साथ में रिलीज क्या होगा NaNO3। अब इक्वेशन को बैलेंस के फॉर्म में लिखोगे, सबसे पहले ये गिवन है देखो लिखा हुआ है कि कितना ग्राम, कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कितना सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, ये पूछा है तुमने, ये गिवन है, ये पूछा है और मास में गिवन है देखो, है ना 5. ये कितना है 5.850 ग्राम है और ये कितना बनेगा, मतलब ये दोनों का रिलेशन निकालना है ना तुम्हें, तो समझना ये दोनों का, इसी को बोलते हैं सिंगल रिएक्टेंट बेस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, चलो सबसे पहले मोल क्या होगा, कितने मोल है ये 1 और इक्वेशन तो बैलेंस ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस इक्वेशन हो गया ये। अब चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में मास का फॉर्म लिखो, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो खुद लिखते हैं हम, NaCl का मास कितना हुआ 58.5, NaCl का मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूँ मैं 58.5, AgNO3 सिल्वर कितना होता है, सिल्वर Ag मतलब 108, कितना होगा सिल्वर का 108, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, तो देखो अब डायरेक्ट ये और ये गिवन है, इसका रिलेशन फाइंड करना है तो इसका मास लिखो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो AgCl का मास कितना हुआ 108 और उसका 35.5, तो कितना हो रहा है 143.5 ग्राम, समझ रहे हो ना, ये बस हो गया कि 58.5 ग्राम में से इतना बनता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि 58.5 ग्राम से कितना फॉर्म होगा AgCl 143.5 ग्राम फॉर्म होता है। गिवन क्या है 5.850 ग्राम से कितना फॉर्म होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मास मास वाला तो बहुत सिंपल है 143.5 डिवाइड 58.5, जो आंसर आ रहा है वो फॉर्म होगा यहाँ पर ग्राम में, क्लियर। चलो फाइन करके बता देना आंसर कितना आ रहा है मुझे, कितना आया 14.35। चलो लिख लो, बहुत सिंपल है, ऐसे एग्जांपल एग्जाम में अगर आ रहे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखो, बैलेंस इक्वेशन लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, लिखो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 33, यहाँ पर रिलेशन देखना, मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, गिवन मास है और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 33, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, इथेन का कंबशन करना है और कंप्लीट वो भी, इथेन मतलब क्या CH3, इथेन का कंबशन करो, तो पहले ही बता दिया हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबशन होगा तो सामने क्या बनेगा CO2+H2O ही फॉर्म होगा, ये फिक्स ही है। अब तुम्हें बैलेंस करना है, मैंने बैलेंस के लिए पहले बता दिया तुम्हें कि सबसे पहले क्या बैलेंस करो, कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने कार्बन है तो 2। चलो नेक्स्ट, कार्बन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो,
कितने हाइड्रोजन है, 6, यहाँ पर कितने हैं, कितने आएंगे, अब ऑक्सीजन देखो कितने, 4, 7 है ना, तो ये कितने आएंगे बोलो यहाँ पर, 4 है 3 है 7 है ना, तो यहाँ पर आएंगे 7/2, कितने आएंगे 7/2, समझ रहे हो ना, 2 कैंसिल 7 हो गए, पॉइंट समझना ही है कैसे लिखा हमने। अब अगर और बैलेंस अलग तरीके से करना है तुम, अगर 7/2 ना लिखना हो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 2, स्टोकियोमेट्री बनेगी ना ऐसे, 2 यहाँ पर कितना आएगा 7 ही, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर 6, ये वाले फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, समझना ही है। और ये वाला फॉर्म लिखो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में तुम्हें हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये वाला फॉर्म लिख लिया मैंने, और ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्लियर ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया ये रिएक्शन, तो यही लिख लेते हम। चलो क्या गिवन है, ये 3 ग्राम गिवन है, 3 ग्राम इथेन गिवन है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर है वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम CO2 फॉर्म होगा, गिवन मास है, गिवन मास है, फाइंड करना है वॉल्यूम, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो सबसे पहले। चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, मोल में 2 मोल, ये कितना मोल हुआ, 7 मोल, और ये कितना मोल हो रहा है, 4 मोल, जिसकी ज़रूरत है वही लिख रहे हैं, ये 2 की ज़रूरत है हमें, एक बार इसके साथ इसकी कंपेयर करो, एक बार इसके साथ इसकी कंपेयर करो, अभी हमने मोल लिखा है, समझना ये, तो तुम्हें पूछा है वॉल्यूम, तो चलो मोल गिवन है, मास भी लिख सकते हो तुम, तो मास के फॉर्म में अगर लिखोगे तो कितना होगा बोलो, तो मास के फॉर्म में लिख लो ये, तो मास होगा ये, इथेन का मास होगा 24 और 6 मतलब 30, ऑक्सीजन का कितना हुआ टोटल 14 मल्टीप्लाई 16, कितना हुआ 14 मल्टीप्लाई 16, मास देख लो ये कितना हो रहा है 14 मल्टीप्लाई 16, चलो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 44, मास के फॉर्म में लिखा ही हमने, हाँ ये 2 मोल है, अगेन 2 मोल है, मतलब यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये मास हुआ, अगर मास के फॉर्म में लिख रहे हो तुम तो, क्लियर है, तो मास के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया ना तुमने, अब वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, वॉल्यूम के टर्म्स में फाइंड करना है, समझना ये है मास, अब उससे उल्टा कर सकते हो तुम, ये अगर 3 ग्राम है उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, फिर इतने वॉल्यूम पर इतना लिख सकते हो ना, वो तो आसानी से, तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, चलो वॉल्यूम में क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाई 22.4, इतना अगर ले रहे हैं हम तो ये कितना बनेगा 7 मल्टीप्लाई 22.4, और ये कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, ये लीटर हुआ, समझना ये, तो अब यहाँ पर अगर इतने वॉल्यूम पर इतना रिक्वायर है और इतने वॉल्यूम पर ये इतना बन रहा है, तो 3 ग्राम को तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, आएगा ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो यस 3 ग्राम इथेन को कन्वर्ट कर दो तुम किस में, वॉल्यूम में, तो याद करो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोल कितना होगा सबसे पहले वेट 3 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथेन का 30, तो कितना हुआ 1/10 हुआ, तो 1/10 0.1 मोल, 0.1 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, 0.1 मोल को किस में कन्वर्ट करोगे तुम, वॉल्यूम में, तो कितना हुआ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हुआ 0.1 मल्टीप्लाई 22.4, तो कितना हो रहा है ये कैलकुलेशन 1/10, तो कितना हुआ 2.4 लीटर, बस अब समझ लो ये आ गया ना, अब आंसर हो गया ख़त्म, कि इतने वॉल्यूम पर इतना, तो इतने वॉल्यूम पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सबसे पहले हम ये दोनों का रिलेशन ले रहे हैं, समझना है ये दोनों का, कि ये इतने वॉल्यूम पर मतलब कितना हुआ ये 44.8 लीटर पर, कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, कितना हुआ ये कैलकुलेशन करके बताओ मुझे,
4 लीटर रिक्वायर है। चलो यहाँ पर सामने कितना है 2.24 पर हाउ मच रिक्वायर, हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ रहे हो? ये किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए था। अब CO2 के लिए कैसे लिखोगे? सेम ना, CO2 के लिए कैसे लिखोगे? 89.4 CO2, कितना CO2 फॉर्म होगा? तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 44.8 लीटर इथेन पर कितना बनता है ये 4 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर CO2 फॉर्म होता है, तो 2.24 लीटर पर हाउ मच, तो ये इसके लिए वॉल्यूम हुआ CO2। तो क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ये वाले में एक्स्ट्रा स्टेप आएगा मास एंड वॉल्यूम वाले में। तो मास को किस में कन्वर्ट कर दो? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना पहले, जो मास गिवन है ना यहाँ पर, जो भी मास गिवन है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, फिर सामने वाला वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइन कर लेना। लिख लो चलो ये, चलो नेक्स्ट। उसके बाद इल्लस्ट्रेशन नंबर 34, ध्यान से रीड करो डेटा एक बार, क्या गिवन है और क्या फाइन करना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2 व्हाट विल बी NH3 फॉर्म एट STP। 10 ग्राम H2 गिवन है, तो N2 रिएक्ट विथ H2 एंड फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का रिएक्शन है। बैलेंस इक्वेशन लिखो पहले इसके लिए, तो बैलेंस इक्वेशन अमोनिया के लिए फिक्स ही कर देना, ये 3 हाइड्रोजन और 2 अमोनिया बनते हैं सामने। क्या गिवन है समझना, ये 10 ग्राम गिवन है, बस कितना गिवन है ये 10 ग्राम गिवन है, और अमोनिया कितना वॉल्यूम में बनेगा लीटर में फाइंड करना है तुम्हें, ये कि कितना फॉर्म होगा और कौन से यूनिट में लीटर में, मतलब मास गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है, मास गिवन एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, समझ लो ये। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे इसका, वॉल्यूम लिख लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम में फाइन करना है ना। तो चलो ये 1 मोल है तो कितना हुआ 22.4 लीटर STP है, तो ये कितना हुआ 3 × 22.4 लीटर, और ये कितना हुआ 2 × 22.4 लीटर। हमें ये दो की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, समझना अभी इसके कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हमें ये दो की ही ज़रूरत है। अब क्या गिवन है समझो, ग्राम में गिवन है ना, तो उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो N2 का 10 ग्राम है समझना ये, तो हम इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले मोल फाइंड करो इसके, तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर मास, वेट 10 ग्राम है, N2 कितना हुआ 28, समझ रहे हो ना ये, तो ये कितना मोल हुआ 10/28, कितना हुआ 10/28, H क्या गिवन है, सॉरी H2 10 ग्राम गिवन है। चलो वापस कट करना पड़ेगा ये, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 34 ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ N2 एंड फॉर्म NH3, तो हेबर प्रोसेस है, मतलब N2 गिवन है, H2 गिवन है, और सामने क्या बनेगा NH3 बनेगा, ये रिएक्शन लिख ही लेना है तुम्हें। चलो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, हो गया बैलेंस इक्वेशन, क्या गिवन है अब समझो, H2 गिवन है 10 ग्राम, मास गिवन है H2 का, और फाइन क्या करना है तुम्हें, अमोनिया का वॉल्यूम फाइन करना है, कितने लीटर में होगा, कितना अमोनिया बनेगा। अगर ये 10 ग्राम लेंगे तो ये कितना बनेगा, मास टू वॉल्यूम वाला रिलेशन है, समझना। चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम मोल फॉर्म लिख लो इसका, 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल। चलो वॉल्यूम फाइन करना है तो वॉल्यूम लिख लो, कितना वॉल्यूम होगा इसकी ज़रूरत नहीं अभी हमें, तो ये नहीं लिख रहे, ये दो ही निकालना है ना हमें, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 3 × 22.4 लीटर, और ये कितना होगा 2 × 22.4 लीटर, हो गया ये।
अब जो मास गिवन है ना उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। मास किसका गिवन है? H2 कितना है 10 ग्राम, उसे तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। तो वॉल्यूम में कितना होगा बोलो इसका? तो पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना हुआ 2, मतलब 5 मोल। 5 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा? तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल 5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। तो इतना हो गया ये वॉल्यूम, समझना आप बस। अब आंसर बहुत सिंपल है कि ये गिवन, ये तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि इतने वॉल्यूम पर इतना फॉर्म होता है स्टैंडर्ड में। तुम यार डिस्टर्ब कर रहे हो कब से। इतने वॉल्यूम पर इतना फॉर्म होता है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम पर कितना फॉर्म होगा वो निकालना है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 × 22.4 लीटर पर हाउ मच NH3 विल फॉर्म। हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा यहाँ से आंसर 2 × 22.4, सामने जाएगा ये 5 × 22.4 लीटर बाय 3 × 22.4। तो सब कुछ कितना होगा तुम्हारा 22.4 लीटर, ये आंसर होगा। तो तुम्हारा आंसर ये होगा 10/3, 22.4 लीटर। कैलकुलेशन करना, तो अगर मान लो 10 ग्राम H2 गिवन है तो कितना अमोनिया बनेगा, तो इतना फॉर्म होगा वॉल्यूम में। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 35 नंबर का इल्यूस्ट्रेशन। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन वाले एग्जांपल है ये। चलो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, बहुत सिंपल है ये तो। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब CH3, CH2, CH2, CH3। अगर शॉर्ट में लिखना है तुम्हें ब्यूटेन को, तो कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन हुए टोटल? 4 कार्बन और हाइड्रोजन टोटल कितने हुए? 10। ये हुआ ब्यूटेन C4H10। कंप्लीट कंबशन करना है तो कंबशन कैसे करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सामने क्या बनेगा? CO2 + H2O बनेगा। ये फिक्स ही है, हाइड्रोकार्बन है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन लिखो आप। तो बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कार्बन सबसे पहले 4 है तो ये भी 4, हाइड्रोजन देखो 10 है, ये कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। अब ऑक्सीजन देखो कितने ऑक्सीजन हुए यहाँ पर, 8 और 13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13/2, क्योंकि O2 है, टू टू कैंसल। अभी क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है कि 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन गिवन है, 1.12 लीटर ब्यूटेन गिवन है, और कितना H2O फॉर्म हो रहा है और कितना CO2 फॉर्म हो रहा है, तुम्हें ये वॉल्यूम में फाइंड करना है। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम है, समझना, ये चीज़ें हैं ना बस। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ, वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइंड करना है। चलो मोल के टर्म्स में लिख लूँ पहले। चलो ये तो 1 मोल है, ये फाइंड करना है 4 मोल और ये 5 मोल। चलो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो, स्टैंडर्ड कंडीशन लिख रहे हैं 1 × 22.4 लीटर, 4 × 22.4 लीटर, 5 × 22.4 लीटर। ये क्लियर? सबसे पहले मैं CO2 के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 CO2 कितना फॉर्म होगा, तो कितने से कितना बनता है स्टैंडर्ड कंडीशन में कि 22.4 लीटर पर कितना फॉर्म होगा, 4 × 22.4 लीटर CO2 विल फॉर्म। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 1.12 लीटर पर हाउ मच, ये आएगा CO2 लीटर के अंदर आंसर, समझना, बहुत सिंपल है। अब H2O कितना फॉर्म होगा, तो H2O के लिए कैसे लिखेंगे, पहले स्टैंडर्ड कि 22.4 पर इतना बनता है, 5 × 22.4 लीटर जितना फॉर्म होगा। किसके लिए पूछा है तुम्हें, 1.12 लीटर पर पूछा है, तो आंसर कितना हुआ कैलकुलेट कर लो और लीटर में आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम से रिलेटेड आंसर बहुत सिंपल है। तो सभी एग्जांपल ध्यान से पढ़ो, स्टोकियोमेट्री बेस, और अपनी नोटबुक में खास लिखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हो गया।